हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आऊँ जीके के टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एसएससी बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है फलों सब्जियों में रंग और कड़वापन किस कारण होता है। तो पहला देखते हैं, आंवले में कसेलापन किस कारण होता है? टेनिन के कारण। आंवले में कसेलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टेनिन के कारण। और पपीता में पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि कैरी क्ले क्जेथिन। पपीता में पीला रंग किस कारण होता है? कैरी क्जेथिन के कारण। और मिर्च में चर्पराहट किस कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण। मिर्च में चर्पराहट किस कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण। और खीरे में कड़ुआहट किस कारण होती है? खीरे में कड़ुआहट तो होती है कुकरबिटेसिन के कारण। कुकरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़ुआहट होती है। आगे देखते हैं, मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है? तो मिर्च में लाल रंग होता है कैप्सेसिन के कारण। मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। और दूध में पीलापन किन लिए होता है? कैरोटीन के कारण। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसिन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसिन के कारण। कैसिन क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। तो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? कैसिन के रूप में। और दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? कैसिन के कारण ही होता है। लहसुन में पीलापन क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। लहसुन में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। और लहसुन में गंध क्यों होती है? इलाइसिन के कारण। लहसुन में गंध किस कारण होती है? इलाइसिन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। आगे देखते हैं, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। और प्याज में लाल रंग क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। गाजर में नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और पीपल में कड़वाहट किसके कारण होती है? मोर्मोलॉप्सिन के। पीपल में कड़वाहट होती है मोर्मोलॉप्सिन के कारण। और करेले में कड़वाहट होती है मेमोडिर्कोसाइट के कारण। करेले में कड़वाहट किस कारण होती है? मेमोडिर्कोसाइट के कारण। और खीरे में कड़वाहट होती है कुकरबिटेसिन के कारण। खीरे में कड़वाहट होती है कुकरबिटेसिन के कारण। आगे देखते हैं, तेल में पीला रंग किस होता है? कैरोटीनाइज्ड के कारण। तेल में पीला रंग होता है कैरोटीनाइज्ड के कारण। फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, तो वो है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन, तो पहला है वो हुआ था वर्ष 1951 में। इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले थे वित्त आयोग के किस वर्ष? 1951 में। और उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और दूसरे कौन थे? 1956 में के संथानम। दूसरे थे 1956 के संथानम। और तीसरे कौन थे इसके अध्यक्ष? वो बने थे 1960 में ए के चंदा। ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा, 1960 में बने थे। और चौथे कौन थे जो कि 1964 में थे? डॉक्टर पीवी राजामन्नार। डॉक्टर पीवी राजामन्नार। और पांचवे कौन थे? तो वह थे महावीर त्यागी, जो कि 1968 में बने थे। पांचवे कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष? महावीर त्यागी, जो कि 1968 में बने थे। और छठे अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। के ब्रह्मानंद रेड्डी जो कि 1972 में बने थे। और अगले आते हैं सातवें, 1977 में बने थे। कौन बने थे? जे एम सेलेड। कौन? जे एम सेलेड। आठवें थे वाई वी चवन। आठवें कौन थे? वाई वी चवन, जो कि 1983 में बने थे। और नौवें थे एन के पी सालवे, जो कि 1987 में बने थे। और दसवें थे केसी पंत, जो कि सन 1992 में बने थे वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे देखते हैं, ग्यारहवें कौन थे? वो थे एम ए एम खुसरो, जो कि 1998 में बने थे। ग्यारहवें कौन थे? ए एम खुसरो।
और 12 बने थे सी रंगराजन, जो कि 2002 में बने थे, सी रंगराजन। और 13वें अध्यक्ष कौन थे इसके, तो वो थे डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर विजय एल केलकर जो कि 2007 में बने थे। और 14वें थे वाई वी रेड्डी जो कि 2013 में बने थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे वित्त आयोग के प्रमुख अध्यक्ष। अगला टॉपिक देखते हैं, छोटा सा ये है, तो अब देखते हैं तीसरा टॉपिक वो है फसलों के प्राचीन नाम कौन कौन से थे। तो पहला था चावल, इसका प्राचीन नाम क्या था, व्रही। चावल का पहला प्राचीन नाम क्या था, व्रही। और मोटा अनाज का था कोदरू। और केसर का प्राचीन नाम था प्रियंगु, क्या था केसर का प्राचीन नाम, प्रियंगु। अंगूर का था मृदिक, अंगूर का नाम था मृदिक। अब देखते हैं गेहूं, गेहूं का प्राचीन नाम क्या था, गोधुम। गेहूं का प्राचीन नाम क्या था, गोधुम। और जौ का क्या था, यव। ये इनके फसलों के प्राचीन नाम थे। और सरसों का क्या था, सरसप, सरसों का नाम था सरसप। और गन्ने का क्या था, इक्षु। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।